देखिए देखिए उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे पांच वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे पांचों जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, आपने परिवारों से भी बात की है अभी? निश्चित रूप से बहुत बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवार जनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है।